अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेस डिजाइन शेयर करने वाली हूं, जिसके लिए मैंने यहां पर ये एंकर का कॉटन थ्रेड लिया है। इसकी परचेस लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको ये अमेजोन पर भी मिल जाएगा। नीडल ली है 7 नंबर 0.95 mm की। ये आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा मिल जाएगा, ऑफलाइन भी लोकल मार्केट में ये अवेलेबल होता है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहां पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हमने इस तरीके से राउंड लेकर स्लिप नट लेना है। स्लिप नट लेने के बाद हमें लेनी है चेन। मैं थोड़ा नजदीक से बताती हूँ। 1, 2, 3, 4 फोर चेन लेने के बाद नीडल पर धागा फोल्ड करना है और फर्स्ट चेन के गैप में, ये हमारी स्लिप नट है, ये रही फर्स्ट चेन। इस फर्स्ट चेन के गैप में हमें लेना है 1 टाइम डबल क्रोचेट। इस तरीके से डबल क्रोचेट लेने के बाद हमें लेनी है फिर 3 चेन। 1, 2, 3 थ्री चेन लेकर ये जो हमने डबल क्रोचेट बनाया है, इसके जो ये 2 धागे हैं, इसमें हमें नीडल डालनी है। यहां से धागा लेते हुए बाहर आएंगे और यहां पिकॉट बना लेंगे। अब ऐसे ही फिर से हम सेम गैप में पहले 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर हम पिकॉट बना लेंगे, 3 चेन ले लेंगे, 1, 2, 3 फिर हम इन 2 धागों में नीडल डालकर यहाँ पर पिकॉट बना लेंगे। फिर हम सेम गैप में डबल क्रोचेट लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे और सेम ऐसे ही 2 धागों में नीडल डालकर पिकॉट बना लेंगे। सेम ऐसे ही गैप में हम 1 टाइम डबल क्रोचेट लेंगे। ऐसे हमें टोटल 5 टाइम्स करना है। 3 बार हमने बना लिया, ये 4, वन टू थ्री चेन एंड ये पिकॉट एंड लास्ट गैप, सेम गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट और फिर हम एक पिकॉट बना लेंगे। टोटल आपने ये देखना है कि गैप में हमें 5 टाइम डबल क्रोचेट और 5 पिकॉट्स आ जाने चाहिए। अब हम लेंगे यहीं से 2 चेन, 1, 2 और सेम गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें यहीं से 3 चेन लेकर टर्न लेना है, 1, 2, 3 3 चेन लेकर इस गैप में अब हम पहले 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे और पिकॉट बना लेंगे, फिर गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे और यहाँ पर पिकॉट बना लेंगे, फिर 1 टाइम डबल क्रोचेट लेंगे, 3 चेन लेंगे, पिकॉट बना लेंगे, फिर 1 टाइम डबल क्रोचेट लेंगे, 3 चेन लेंगे और पिकॉट बना लेंगे, फिर 1 टाइम डबल क्रोचेट लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे और इस तरीके से पिकॉट बना लेंगे। अब इतना कंप्लीट होने के बाद हमें लेनी है फिर से 2 चेन, 1, 2 और सेम गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट लेना है। इस तरीके से
अब यहीं से हमने पहले हम जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसे कट कर लेंगे। यहीं से हमने थ्री चैन लेकर टर्न लेना है, 1 2 3, और इस गैप में पहले वन टाइम डबल क्रोचेट, फिर थ्री चैन, फिर पिकॉट, फिर वन टाइम डबल क्रोचेट, फिर थ्री चैन, फिर ये पिकॉट, देन वन टाइम डबल क्रोचेट, थ्री चैन लेकर पिकॉट बना लेंगे, फिर वन टाइम डबल क्रोचेट, थ्री चैन लेंगे, पिकॉट बना लेंगे, वन टाइम डबल क्रोचेट, थ्री चैन और ये पिकॉट। इस तरीके से इतना कंप्लीट होने के बाद हमें लेनी है टू चैन, 1 2, और सेम गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे इस तरीके से। फिर हम यहीं से टर्न लेंगे और थ्री चैन ले लेंगे, 1 2 3, फिर वन टाइम डबल क्रोचेट लेंगे, थ्री चैन लेंगे और पिकॉट बना लेंगे, फिर वन टाइम डबल क्रोचेट लेंगे, थ्री चैन लेंगे, पिकॉट बना लेंगे, वन टाइम डबल क्रोचेट लेंगे, थ्री चैन लेंगे, पिकॉट बना लेंगे। और बस ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू फॉलो करना है। जितनी आपको इसकी लेंथ बनानी है ना, बस आप ऐसे ही इसे बनाते जाओगे, इसका लुक बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, और बहुत सारे लोग अब मुझे ये भी पूछने वाले हैं कि इसे कैसे अटैच करना है, किस तरीके से दुपट्टे पर लगाना है, तो इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले तो इस तरह की लेसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा हेयर बैंड्स में यूज़ होती है या हैंड ब्रेसलेट में यूज़ होती है, और इसके ना बहुत ही यूनिक यूजेस होते हैं। और अगर आपको इसे दुपट्टे पर या बॉर्डर लेस के तौर पर यूज़ करना है, तो आपको इसे सुई धागे की हेल्प से हाथ से टाँकना होगा, मशीन से ये लेस नहीं लगेगी। सो बस आपने ऐसे ही इसे कंटिन्यू फॉलो करना है। जितनी आपको इसकी लेंथ बनानी है ना, बस आपने ऐसे ही इसे बनाते जाना है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी और लेंथ बनाकर बताती हूँ। सो गाइज, ये देखिए, ये है इसका लुक। ऐसे ही आपने बस इसे कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। आई होप कि आप लोगों को ये लेस डिज़ाइन अच्छी लगी है, समझ में आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।